असेंडिंग नर्व को ही सेंसरी नर्व बोला जाता है, उसी को अफरेंट नर्व बोला जाता है। उसी प्रकार डिसेंडिंग नर्व को ही मोटा नर्व बोला जाता है और इफरेंट नर्व बोला जाता है। ऐसा क्यों है उसका रीजन इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही बहुत सारे टर्मिनोलॉजी भी देखेंगे जो कि डायरेक्टली हमारे नर्व सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे नर्व सिस्टम रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। स्टार्ट करते हैं हमारा आज के लेक्चर, बने रही इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले हमारे सामने टर्म है क्रीनियम। क्रीनियम क्या होता है? क्रीनियम इज ए स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द हेड दैट कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल एंड फेशियल बोन। स्केलेटल फ्रेमवर्क है, हड्डियों का ढांचा होता है जो कि क्रेनियल और फेशियल बोन से मिलकर बना होता है। जो हमारी क्रेनियम बोन होती है और साथ ही जो फेशियल बोन होती है, अगर काउंटिंग की बात करें तो ये क्रेनियल बोन 8 होती है और ये 14 होती है। पेड बोन भी होती है, जब हम स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। तो उनसे मिलके जो हड्डियों का ढांचा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम को भी अगर हम क्लासिफाई करके पढ़ते हैं तो टू टाइप में पढ़ते हैं। अगर स्पेशली क्रेनियल बोन की बात करें कि क्रेनियल बोन से मिलकर जो ढांचा बनता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं न्यूरो न्यूरो क्रीनियम। इसके लिए एक अलग टर्मिनोलॉजी दी जाती है, न्यूरो क्रीनियम, ये भी आप साथ ही याद रख सकते हैं न्यूरो क्रीनियम। और अगर जो फेशियल बोन से मिलकर बनता है हमारे क्रीनियम का ढांचा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम विसरो क्रीनियम। क्या बोलते हैं उसे? विसरो क्रीनियम। तो ये भी आप दोनों याद रख सकते हैं कि न्यूरो क्रीनियम किसे बोलते हैं, जो कि क्रेनियल बोन से मिलकर हमारा क्रेनियम का ढांचा बनता है उसे बोलते हैं, और जो फेशियल बोन से मिलकर हमारा स्कल का ढांचा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? विसरो क्रेनियम। बहुत सारी बुक्स में क्रेनियम और स्कल को एक साथ ही पढ़ लिखा गया, एक साथ ही देखा गया, तो कन्फ्यूज नहीं होना। स्कल और क्रेनियम बहुत सारे बुक्स में हम एक साथ पढ़ते हैं, बहुत सारे बुक्स में क्रेनियम को स्कल से अलग पढ़ा जाता है कि स्कल में एक मैंडिबल नाम की बोन होती है जो कि मूवेबल बोन होती है, जबकि क्रेनियम को क्रेनियम में उस बोन को इंक्लूड नहीं किया जाता। बहुत सारी बुक्स में ये भी लिखा है कि क्रेनियम ओनली क्रेनियल बोन का ही कंपोजिशन होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट रखना आपको। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने डर्मेटोम एंड मायोटोम। देखो डर्मेटोम एंड मायोटोम दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट है, इसलिए एक दूसरे के साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। डर्मेटोम क्या होता है? डर्मेटोम स्किन का वह एरिया होता है जहाँ पे नर्व सप्लाई होती है, और स्किन की अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो स्पेशली सेंसरी टाइप के जहाँ पे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं डर्मेटोम। देखो डर्मा वर्ड फॉर द स्किन। एंड सेम उसी प्रकार मायोटोम। मायोटोम क्या होता है? मायो वर्ड फॉर द मसल्स। अगर हम बात करें मायो जो एज ए प्रीफिक्स यूज किया है यहाँ पे, तो मसल्स के लिए डर्मा वर्ड फॉर द स्किन। तो मसल्स का वह पार्ट या वह मसल्स का ग्रुप जो कि नर्व से सप्लाई होता है, और स्पेशली कौन से टाइप के नर्व्स, तो वो होती है मोटर्स नर्व या मोटर न्यूरोन या उनके फाइबर्स, उनसे जो इनर्वेटेड होगा, अगर स्पेशली बाहर के जो नर्व सप्लाई होते हैं उसको नाम दिया जाता है इनर्वेटेड, तो उसके थ्रू इनर्वेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मायोटोम। तो एक बार डेफिनेशन की हम बात करें तो डर्मेटोम की डेफिनेशन क्या होगी? द एरिया ऑफ द स्किन दैट इनर्वेटेड बाई सेंसरी नर्व फाइबर्स। स्किन का वह एरिया जो कि इनर्वेटेड होता है, नर्व सप्लाइड होता है, कौन सी टाइप की नर्व का? सेंसरी नर्व फाइबर्स का, उस एरिया को क्या बोलते हैं? डर्मेटोम। स्पेशली याद करना। सेकंड वन है मायोटोम। इट इज अ मसल्स ग्रुप दैट इनर्वेटेड बाय प्राइमरी मोटर न्यूरॉन। ये मसल्स का ग्रुप होता है जो कि किसके थ्रू इनर्वेटेड होता है? प्राइमरी मोटर न्यूरॉन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इसमें स्किन और मसल्स में दोनों अलग अलग टाइप की नर्व सप्लाई करती है, और उस पर्टिकुलर पार्ट को नाम दिया हुआ। तो स्किन की बात करें तो उसे हमने डर्मेटोम बोला, और मसल्स की बात करें तो उसे हमने क्या बोला? मायोटोम। डर्मा वर्ड फॉर द स्किन एंड मायो वर्ड फॉर द मसल, जो कि एज ए प्रीफिक्स यहाँ पे यूज किया हुआ, तो वो भी आपको याद रखना। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने रिसिप्रोकल इनर्वेशन। रिसिप्रोकल इनर्वेशन क्या होता है? देखो रिसिप्रोकल वर्ड होता है, अगर इसकी हम पर्टिकुलर बात करें रिसिप्रोकल वर्ड की, तो इसका मतलब होता है कि दो चीज़ें एक साथ चलती है, मतलब अगर हम बात करें तो कि एक समान रूप से चीज़ें चलती है उसको हम बोलते हैं रिसिप्रोकल। और इनर्वेशन मीन्स क्या? नर्व सप्लाई। तो नर्व सिस्टम में क्या मतलब है रिसिप्रोकल इनर्वेशन का? तो एक प्रकार का ये हमारे बॉडी में प्रिंसिपल्स होता है, हमारे नर्व सिस्टम में, या एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, इन विच वन मसल सेट रिसीव एन इम्पल्स फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, देन अनोदर ग्रुप रिसीव इम्पल्स फॉर द इनहिबिट एक्शन। दो एक्शन एक साथ काम कर रहे हैं, कौन कौन सा? एक तो रिफ्लेक्स एक्शन जो कि एक्टिविटी करवा रहा, और दूसरा एक्शन जो कि एक्टिविटी को वापस स्टॉप कर रहा है, उसको बंद कर रहा है। तो एक तो एक्टिविटी को स्टार्ट करने वाला एक्शन, और दूसरा एक्शन एक्टिविटी को बंद करने वाला, दोनों एक्शन एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो उस प्रकार की जो नर्व सप्लाई होती है, देखो दोनों में नर्व सप्लाई का ही काम होगा, जो हमारे बॉडी का जितना भी मूवमेंट्स होता है वो नर्व के ऊपर डिपेंड होता है कम्प्लीटली। तो नर्व ही यहाँ पे एक्शन करवाएगी, अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन करवाएगी, और वही इनहिबिशन का काम करेगी। तो दोनों एक्शन एक दूसरे के साथ करेंगे,
तो पहले रिफ्लेक्स एक्शन होगा, देन बाद में वो रिलैक्सेशन होगा, वो एक्शन बंद होगा, तो दोनों एक्शन एक साथ चल रहे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिसिप्रोकल इनर्वेशन। रिसिप्रोकल इनर्वेशन, अगर हम रिसिप्रोकल वर्ड की बात करें तो जैसे हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसिप्रोकल। दैट मींस क्या, कि जो काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है उसका जस्ट अपोजिट कौन सा सिस्टम करता है, पैरासिंपैथेटिक करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, हमारा हार्ट रेट होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, वहीं उसके साथ मिलके पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है जो कि हमारे हार्ट रेट को वापस कम करता है या नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ किस प्रकार काम करें, रिसिप्रोकली काम करें। तो ये भी आपको याद रखना है कि रिसिप्रोकल इनर्वेशन क्या होता है, मसल्स का एक ग्रुप होता है या मसल्स की स्पेशल प्रकार का एक प्रिंसिपल होता है हमारे मोटर सिस्टम का, जिसमें दो नर्व एक साथ काम करती है, एक रिफ्लेक्स एक्शन का काम करती है, दूसरा इनहिबिट एक्शन का काम करती है। तो ये आपको टर्म क्लियर रखना है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने असेंडिंग नैरो और डिसेंडिंग नैरो। असेंडिंग नैरो क्या होती है, अगर मैं पर्टिकुलर अगर आपको सॉर्ट आउट कर दूं पहले असेंडिंग वर्ड और डिसेंडिंग वर्ड। असेंडिंग वर्ड बॉडी में आप कहीं भी देखेंगे, असेंडिंग वर्ड मींस होता है अपवर्ड मूवमेंट, हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट का, किसी भी एक्टिविटीज़ का, किसी भी प्रोसेस का हमारे बॉडी में अपवर्ड मूवमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं असेंडिंग। और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है किसी भी ऑर्गन्स का या किसी भी फ्लूड का, अगर हम बात करें तो, या किसी भी एक्टिविटी की बात करें तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है फ्रॉम द अपर पार्ट टू द लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग। तो ये याद रहे। अब यहाँ पर नर्व सिस्टम में क्या होता है, तो असेंडिंग नर्व क्या होती है, जो कि हमारे नीचे वाले एरिया के से ऊपर वाले एरिया की तरफ जा रही है, दैट मीन्स क्या, पेरिफेरल साइड टू सेंट्रल साइड की तरफ जा रही, तो उस प्रकार के नर्व क्या बोलते हैं, असेंडिंग नर्व। और वही उसका जस्ट अपोजिट है डिसेंडिंग नर्व। डिसेंडिंग नर्व क्या हो गया, अपर वाले एरिया से लोअर वाले एरिया की तरफ जा रही है, दैट मीन्स क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही है, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट की तरफ जा रही है, बॉडी ऑर्गन की तरफ जा रही है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, डिसेंडिंग नर्व बोल देंगे। अब ऐसा कौन कौन सी नर्व करते हैं, अगर हम असेंडिंग नर्व की बात करें तो क्या बोल रहा है कि लोअर बॉडी पार्ट टू अपर बॉडी पार्ट की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स पेरिफेरल एरिया टू सेंट्रल एरिया की तरफ आ रहा है, तो ऐसा कौन करती है, ऐसा सेंसरी नर्व ही करती है, क्योंकि वो ही सेंसरी इन्फॉर्मेशन या सेंसरी इंपल्स होते हैं वो लेके आती है फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो उसी नर्व को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग नर्व। कौन सी नर्व को, सेंसरी नर्व को, ये याद रखना। जबकि मोटा नर्व है उसको डिसेंडिंग नर्व बोलता है। ऐसा क्यों होते बोलते हैं, क्योंकि मोटा नर्व होती है वो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम से नर्व जो भी नर्व इंपल्स का रेस्पॉन्ड होता है, जो उसकी कमांड होती है सेंसरी इंपल्स के रेस्पॉन्ड में, उसको वो नर्व सिस्टम से अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्व सिस्टम से लेके उसको पेरिफेरल नर्व सिस्टम की तरफ आती है या बॉडी ऑर्गन की तरफ आती है, तो उस नर्व को हम क्या बोलते हैं, मोटा न्यूरॉन, क्योंकि मोटा न्यूरॉन बाहर की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड एरिया में जा रही है, जबकि सेंसरी नर्व है वो ऊपर की तरफ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है, ब्रेन की तरफ जा रही है, इसे उसको क्या बोला, असेंडिंग नर्व बोला, और मोटा न्यूरॉन को क्या बोला, डिसेंडिंग नर्व बोला। तो वो भी याद रखना। साथ ही इनको एक और टर्मिनोलॉजी दिया जाता, जैसे कि हमने मैंने बताया था आपको, असेंडिंग को बोले जाते हैं अफरेंट, अफरेंट, ये भी आपको याद रखना कि अफरेंट नर्व किसे बोलते हैं और इफरेंट नर्व किसे बोलते हैं, ये भी बहुत सम टाइम टर्मिनोलॉजी आ जाती है, तो वो भी आपको याद रखना कि अफरेंट नर्व ही सेंसरी नर्व को बोला जाता और इफरेंट नर्व ही मोटा नर्व को बोला जाता, वही सेम कंडीशन है। अफरेंट मीन्स क्या होता है, अफरेंट मीन्स होता है कि किसी भी एक्टिविटी का यहाँ पे नर्वस सिस्टम पड़ रहा है, तो नर्व से रिलेटेड बात करेंगे कि जो नर्व हमारे पेरिफेरल साइड से बॉडी की तरफ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, अफरेंट नर्व, AFFERENT, अफरेंट नर्व। और वह नर्व जो कि हमारे सेंटर से बाहर की तरफ आ रही है वो मोटर नर्व ही होता है, तो मोटर नर्व को ही हम इफरेंट नर्व बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट नर्व। तो ये याद रखना है, असेंडिंग नर्व को ही क्या बोला जाता है, असेंडिंग नर्व को ही सेंसरी नर्व बोला जाता है, इसी को ही अफरेंट नर्व बोला जाता है, और डिसेंडिंग नर्व को ही इफरेंट नर्व बोला जाता है, और इसी को ही मोटा नर्व बोला जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके आपको याद रखना। क्या डेफिनेशन लिखी है, सिंपल सी, ए नर्व दैट गोज अपवर्ड फ्रॉम द पेरिफेरल नर्व सिस्टम टू सेंट्रल नर्व सिस्टम इज कॉल्ड असेंडिंग नर्व, सेंसरी नर्व या अफरेंट नर्व। और डिसेंडिंग नर्व की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, द नर्व दैट कम्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आती है, फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम टू पेरिफेरल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम से पेरिफेरल नर्व सिस्टम की तरफ आती है, उसे क्या बोलते हैं हम, डिसेंडिंग नर्व, डिसेंडिंग न्यूरोन या डिसेंडिंग पैथवे, या हम बोले तो मोटर न्यूरोन, या हम बात करें तो वन मोर अपफ्रंट न्यूरोन बोला जाता है। तो असेंडिंग नर्व और डिसेंडिंग नर्व के साथ दो टर्मिनोलॉजी आपको ये भी याद रखना है, किसी को सेंसरी बोलते हैं और डिसेंडिंग को ही मोटर न्यूरोन बोलते हैं या अपफ्रंट न्यूरोन बोलते हैं। क्लियर है यह टर्मिनोलॉजी।
नेक्स्ट है डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। इनको सम टाइम हम बोल सकते हैं डोर्सल पेथवे, जो हमारे स्पाइनल कोड से पेथवे जनरेट होते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट में। जब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे स्पाइनल कोड का, तो उसके एंटीरियर पोर्ट से अलग अलग से रूट निकलते हैं, अलग से होर्न बनते हैं, वहाँ से अलग से पेथवे बनते हैं जो कि हमारे बॉडी में सप्लाई करते हैं। उसी प्रकार जो स्पाइनल कोड का जो वेंट्रल वाला रीजन होता है, या हम बात करें एंटीरियर वाला रीजन होता है, उससे अलग निकलते हैं। पीछे वाला रीजन जिसे हम डोर्सल रीजन बोलते हैं, वहाँ से अलग टाइप के नर्व फाइबर्स निकलते हैं जो कि हमारे बॉडी को सप्लाई करते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी आपको याद रखना है जस्ट कि डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट क्या होता। तो देखो, अगर हम इन वर्ड को सॉर्ट आउट करें तो डोर्सल वर्ड फॉर द पोस्टीरियर साइड एंड वेंट्रल वर्ड फॉर द एंटीरियर साइड, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था जब हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो चल रहा था, जो कि पोजीशन से रिलेटेड था, डायरेक्शन से रिलेटेड, उसमें डिस्कस किया था। तो डोर्सल एंटीरियर की बात कर रहे हैं, सॉरी डोर्सल वर्ड फॉर द पोस्टीरियर। तो सेंसरी रूट, एक बार हम डेफिनेशन बात करें तो सेंसरी रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व एंटर्ड एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द कोड, कि क्या हो गया, इस स्पाइनल नर्व का वह रूट, या रूट की बात करें तो रूट यानी जड़ की बात करें, मूल की बात करें। अब यहाँ पे जड़ कौन होगी, नर्व की बात करें, नर्व के ग्रुप की बात करें, तो रूट से तो आपको कन्फ्यूज होना नहीं है। तो सेंसरी रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व एंटर एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द कोड, कोड के पोस्टीरियर साइड में जहाँ से सेंसरी नर्व एंटर होती है पेरिफेरल नर्व सिस्टम में, नर्व सिस्टम से कहाँ पे, सेंट्रल नर्व सिस्टम में, सेंट्रल नर्व सिस्टम का ही पार्ट है स्पाइनल कोड। तो वहाँ से ट्रेवल करते हुए फिर ऊपर की तरफ इंपल्स लेके जाते हैं कहाँ पे, सेंट्रल नर्व सिस्टम हमारे ब्रेन में। तो उस रूट को हम क्या बोलते हैं, डोर्सल रूट। वही जिस इसका जस्ट अपोजिट है, ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, तो ये एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, वेंट्रल रूट। तो द रूट ऑफ स्पाइनल नर्व दैट लीव्स, जो कि बाहर निकलता है, छोड़ता है, वो भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एंटर वर्ड क्यों लिखा हुआ और यहाँ पे लीव्स वर्ड क्यों लिखा हुआ। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, लीव्स फ्रॉम एंटीरियर साइड विच कैरी मोटर इन्फॉर्मेशन। स्पाइनल कोड का वह रूट या एंटीरियर वाला रूट जो कि इन्फॉर्मेशन, मोटर इन्फॉर्मेशन को बाहर की तरफ लिखा जाता। देखो यहाँ पे लीव्स वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मोटर इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्व सिस्टम से पेरिफेरल नर्व सिस्टम की तरफ आती है, हमारी बॉडी ऑर्गन की तरफ आती है, जबकि सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा पेरिफेरल रीजन से, हमारे बॉडी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती है। तो सेंसरी न्यूरॉन का जो रूट रहेगा वो तो स्पाइनल कोड में एंट्री करेगा, क्योंकि उसको कहाँ जाना है, नर्वस सिस्टम के पास जाना है, ब्रेन के पास जाना है। वहीं जो वेंट्रल रूट है जिसमें लीव्स मतलब बाहर की तरफ क्यों निकल रही है न्यूरॉन, क्योंकि उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, या स्पेशली हम बात करें तो ब्रेन से, उनको कैरी आउट करके इन्फॉर्मेशन बाहर बॉडी की तरफ जाना है, जो कि मोटर न्यूरॉन को काम होता है। तो ये भी स्पेशली याद रखना कि डोर्सल रूट हमारी सेंसरी नर्व बनाती है, जबकि वेंट्रल रूट हमारी मोटर न्यूरॉन बनाती है। ऐसा रीजन क्यों, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये भी आपको याद रखना कि डोर्सल रूट होता है वो सेंसरी न्यूरॉन बनाती है, और वो हमारे पोस्टीरियर साइड में होता है, किसके, स्पाइनल कोड के, क्योंकि स्पाइनल कोड से ही नर्व ओरिजिनेट होती है, जो कि स्पाइनल नर्व होती है। और वही अगर वेंट्रल रूट की बात करें तो वेंट्रल रूट में क्या होगा, मोटर न्यूरॉन होती है स्पेशली, जो कि कौन सी साइड से ओरिजिनेट होती है या कौन सी साइड से बाहर की तरफ निकलती है, तो हमारे स्पाइनल कोड के एंटीरियर साइड से बाहर की तरफ निकलती है। इसी को हम डोर्सल पेथवे बोलते हैं, इसी को हम वेंट्रल पेथवे बोलते हैं। डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, लेटरल हॉर्न, वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी इसके साथ कोरिलेटेड होते हैं। तो अभी जस्ट आपको याद रखना डोर्सल रूट क्या होता है एंड वेंट्रल रूट क्या होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम क्या होती है, सर्कैडियन रिदम एक नेचुरल प्रोसेस होता है हमारे बॉडी का, जो कि हमारा स्लीप वेक साइकिल होता है, जब हम सोते हैं कब हमारी बॉडी को वेकअप करना है ना, 24 आवर्स का एक साइकिल होता है, जो कि एवरी 20 आवर्स बाद में रिपीट होता है। तो उसको जो मेंटेन करने का काम होता है वो तो पीनियल ग्लैंड का होता है, बट एक जो प्रोसेस होती है मेंटेन वाली, जो एक नेचुरल एक्टिविटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कैडियन रिदम। देखो प्रोसेस का नाम तो हो गया सर्कैडियन रिदम, और उसको मेंटेन करने वाले जो बॉडी पार्ट हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड। तो सर्कैडियन रिदम एंड पीनियल ग्लैंड दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। तो ये तो स्पेशल ऑर्गन हो गया जो कि मेंटेन करता है किसको, सर्कैडियन रिदम को। और सर्कैडियन रिदम क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस हो गई जो कि हमारे रेगुलेट करती है स्लीप वेक साइकिल को, जो कि एवरी 24 आवर्स में रिपीट होता है, उसको मेंटेन करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कैडियन रिदम। नेक्स्ट इसी से कोरिलेटेड टर्मिनोलॉजी हमारी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होती है, देखो ग्लैंड एक स्पेशल प्रकार के टिश्यूज होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल सिक्रेट करते हैं, उस केमिकल को ही नाम दिया जाता है हार्मोन। उसको हार्मोन इसलिए बोला जाता है कि वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होता है। तो
पीनियल ग्लैंड क्या होती है, देखो ग्लैंड है, ये भी एक हार्मोन सीक्रेट करेगी। वो कौन सा हार्मोन होगा वो भी हम देख लेंगे। तो स्मॉल एंडोक्रेन ग्लैंड इन द ब्रेन दैट हेल्प टू मेंटेन सरकाडियन एंड सीजनल साइकिल। देखो दो साइकिल मेंटेन करते हैं, एक तो सरकाडियन तो एवरी 24 आवर्स बाद में रिपीट होती है, जो कि हमारी जो स्लीप और साथ ही वेक वाला जो साइकिल होता है हमारा, कि कब हमें हमारी बॉडी को सुलाना है, कब हमारी बॉडी को वेकअप करना है, वो मेंटेन करता है। दूसरा हो गया सीजनल साइकिल। सीजनल साइकिल होता है हमारे जो कि सीजन चलते हैं, सम टाइम विंटर है, कभी समर सीजन है और कभी स्प्रिंग सीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कैसे एडजस्ट करना, वो मेंटेन भी कौन करता है, हमारा पीनियल ग्लैंड करता है। किसके थ्रू मेंटेन करता है, तो वो स्पेशल बात करें मेलेटोनिन, जो कि एक स्पेशल टाइप का हार्मोन होता है, और सेकेंड वन कौन है, सीरोटोनिन ड्राइव्ड हॉर्मोन्स। तो ये दो हॉर्मोन्स के द्वारा स्पेशली मेंटेन किया जाता है। डायरेक्टली बात करें तो मेलेटोनिन को ज़्यादा इसके साथ कोरिलेट करके पढ़ा जाता है सरकाडियन रिदन के साथ। तो ग्लैंड है कौन सा हार्मोन हो गया यहाँ पे, मेलेटोनिन और सीरेटोनिन ड्राइव्ड हार्मोन, दो हार्मोन हो गए किसके, ग्लैंड के। कौन सी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, जिसका काम क्या है कि सरकाडियन रिदम और सीजनल साइकिल को मेंटेन करके चलती है हमारी ह्यूमन बॉडी के। तो ये कुछ बेसिक एनाटोमी से रिलेटेड हमारा आज का वीडियो था। कुछ डाउट्स है इसमें तो आप कमेंट करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं। बाकी इसी प्रकार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।